देशियों में एक 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 शानदार उदाहरण बताता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा उदाहरण बताता हूं। और मैं उदाहरण देना चाहूं खादी, आप में से सब खादी को जानते हैं, खादी और नेता चोली दामन का नाता था। नेता और खादी अलग नहीं होते थे, खादी आते ही नेता दिखता था, नेता दिखते ही खादी दिखती थी। जिस खादी को महात्मा गांधी ने जिया, जिस खादी ने भारत में आजादी के आंदोलन को ताकत दी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उस खादी का भी वही हाल हुआ जो आजादी के दीवानों के सपनों का हुआ था। क्या देश का दायित्व नहीं था? जिस खादी से गरीब मां को रोजी मिलती है, जिस खादी से विधवा मां को अपने बच्चों को बड़ा बनाने के लिए सहारा मिलता था, लेकिन धीरे 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 उसको उसके नसीब पर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से वो मृत्यु के कगार पर आके खड़ा था। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बीड़ा उठाया, मैंने कहा भी आप बड़े गर्व से कहते हैं घर में किसी को कि मेरे पास ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, यहां की साड़ी है, यहां की साड़ी है, यहां का कुर्ता है, कहते हैं ना। हाँ बोलो तो सही, सर। अरे सच बोलने में क्या जाता है यार। तो मैं कहता था यार एकाध खादी भी तो रख लो, मेरे पास ये फैब्रिक है, फैब्रिक है, खादी भी रख लो। साथियों बात बहुत छोटी थी, लेकिन मैं आज देश के सामने सर झुकाता हूं। मेरे देश ने इस बात को भी गले लगाया और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1,00,000 करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ।